नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, क्लास ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, और इस चैप्टर का नाम रहेगा हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिज। तो जो आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। तो आज पढ़ने वाले हैं अपन आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक, तो इस अभिक्रिया का आपको पहले स्टेटमेंट याद रखना है। तो इसके कथन में क्या बोला गया है कि एथिल एल्कोहल या एसीटोन को क्षारीय माध्यम में आयोडीन के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, और इसे ही अपन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। और इस आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को बेटा हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी बोला जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें आयोडीन युक्त यौगिक बनता है और आयोडीन एक हेलोजन परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी बोला गया है। तो आइए बेटा इसके समीकरण को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा बेटा, इसमें कहा गया है कि आप आयोडोफॉर्म का निर्माण एथिल एल्कोहल से भी कर सकते हैं और एसीटोन के साथ भी कर सकते हैं। तो अपन पहले एथिल एल्कोहल के साथ आयोडोफॉर्म प्राप्त करेंगे, फिर एसीटोन के साथ आयोडोफॉर्म प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल लेना है। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला पता है बेटा आपको क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आप CH3 बॉन्ड में CH2 बॉन्ड में OH। तो ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल, C2H5 बॉन्ड में OH, इसका नाम लिख दे रहा है बेटा, ये रहा आपका एथिल एल्कोहल। ठीक, तो एथिल एल्कोहल को क्षारीय माध्यम, तो आपको एथिल एल्कोहल में क्या लेना है, एक क्षारीय माध्यम लेना है। तो क्षारीय माध्यम में आपका रहेगा बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये आपने एक क्षार ले लिया। क्षारीय माध्यम में आयोडीन के साथ गर्म करने पर, तो आयोडीन आप जानते हैं है ना, ये हो गया आयोडीन। तो इसके साथ अपन यदि अपन गर्म करेंगे बेटा, किस किस को, एथिल एल्कोहल लिया आपने, एथिल एल्कोहल के साथ एक क्षारीय माध्यम लिया, और उस आयोडीन के साथ आप गर्म करने वाले हैं, तो आपको आयोडोफॉर्म यहां पर। तो देखिएगा बेटा, अब यहां पर होगा क्या, आप जानते हैं OH माइनस और H प्लस चार्ज देगा, तो यहां पर क्या निकलेगा बेटा, जल के अणु निकलेंगे। अब कितने निकलेंगे ये अपन बाद में संतुलित करेंगे। फिर यहां पर आप जानते हैं सोडियम प्लस चार, आयोडीन माइनस चार्ज, तो सोडियम आयोडीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaI, यानी सोडियम आयोडाइड। और क्या बना बेटा, और यहां पर कार्बन दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं है ना, तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा HCOONa, यानी सोडियम फार्मेट मिलेगा। अब सोडियम फार्मेट के कितने अणु मिलेंगे वो देखेंगे। अब अंत में आपको मिलेगा क्या, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CH3। तो आपको प्रयोगशाला में एक हल्का पीला अवक्षेप मिलेगा और वही क्या कहलाएगा आपका, आयोडोफॉर्म। तो इस अभिक्रिया में बेटा इनको संतुलित और करना है। तो देखिएगा संतुलित कैसे करेंगे, यहां पर आयोडीन कितने दिख रहा है आपको, दो है, यहां पर कितने हैं, तीन और एक चार, तो यहां पर अपन ने चार का गुणा किया। ठीक, तो यहां पर आयोडीन कितने हो गए, आठ। ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करना है, तो यहां पर सोडियम एक यहां पर हो गया और एक यहां पर, एक और एक, दो सोडियम हो गए बेटा। तो यहां पर छह से संतुलित कर रहे हैं इनको, और यहां पर छह हैं तो पांच यहां कर दे रहे हैं। ठीक, और एक, ये पांच और एक कितने हो गए, छह। और आयोडीन को संतुलित कर दिया है अपन ने, कितने हो गए बेटा, चार दूनी आठ, और यहां पर कितने हो गए, तीन ये हो गए, पांच ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, आठ। ठीक, अब बचा क्या आपका, जल, कार्बन हो गया है संतुलित अपना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह गए, तो यहां पर हम पांच का गुणा कर देंगे बेटा। तो देखो टोटल यदि अपन काउंट करें कार्बन, तो एक दो, दो कार्बन, तो एक और एक दो कार्बन हो गए बेटा। फिर हाइड्रोजन की बात करें, तीन और दो पांच, और एक छ, छ और छ बारह, ये हो गए बारह, इस तरफ है हाइड्रोजन, तो एक और एक दो, पांच दूनी दस, दस और दो बारह हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो एक दो और पांच यहां पर, तो होगा सात, तो छह और एक सात। ठीक है बेटा, और आयोडीन आपके हो गए आठ, तो पांच और तीन आठ। तो ये समीकरण अपना संतुलित हो गया, ये आपको याद रखना है बेटा। तो ये आपको एथिल एल्कोहल से क्या मिल गया है, आयोडोफॉर्म। अब एथिल एल्कोहल के बाद अपन बनाएंगे बेटा एसीटोन से। ठीक,
ठीक, तो एसीटोन से आयोडो फॉर्म बनाने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, आयोडो फॉर्म बनाएंगे अपन एसीटोन से, तो एसीटोन का फार्मूला लिखना है आपको। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3 बॉन्ड में CO, बॉन्ड में क्या होता है CH3। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, एसीटोन। ठीक, तो एसीटोन को क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम क्या रहता है आपका, NaOH रहता ही है। क्षारीय माध्यम में किसके साथ क्रिया करानी है आपको, आयोडीन से। तो आयोडीन से क्रिया करानी है और इनको आपस में गर्म कर देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, आयोडोफॉर्म। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाए थे वैसा यहाँ पर भी होगा। सोडियम +4, आयोडीन -4, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सोडियम आयोडाइड। ठीक, प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा OH- और H+, तो क्या मिल जाएगा आपको, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। और जब एथिल एल्कोहल से बना रहे तो वहां सोडियम फार्मेट मिला था बेटा, यहां मिल जाएगा सोडियम एसीटेट, यानी CH3 बॉन्ड में COONa, ये मिल गया आपको सोडियम एसीटेट। और अंत में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH और यहां से आयोडीन, तो CH3, तो ये मिल गया आपको क्या, आयोडोफॉर्म। ठीक, अब इसको संतुलित और करना है बेटा। संतुलित करने के लिए यहां पर अपन क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो कितने आयोडीन हो गए, 6, और यहां पर कर देंगे अपन 3 का गुणा, तो 3 और 3 हो गए 6, आयोडीन संतुलित हो गए। सोडियम की बात करें तो सोडियम यहां पर आपको 3 दिख रहा है और एक 4, तो यहां पर हम कितने का गुणा कर देंगे बेटा, 4 का। ठीक, अब बचा क्या आपका, जल के अणु, तो यहाँ जल के अणु में कितने का गुणा होगा, यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 और 1 5 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 का गुणा, तो 3 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ये हो गए, तो हो गए 5। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 और 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, तो 5 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 10, तो ये अपना पूरा संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से आप एसीटोन से क्या बना सकते हैं बेटा, आयोडोफॉर्म। तो एग्जाम में बेटा कोई भी एक रिएक्शन लिखनी है, चाहे आप एथिल एल्कोहल से बना दो आयोडोफॉर्म या फिर एसीटोन से बना दो। ठीक, अब बात करते हैं बेटा इनके गुणों की, कि आयोडोफॉर्म के गुण क्या हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला गुण इसका ये हो जाएगा बेटा कि यह है हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो जल में बेटा घुलता नहीं है, जल में आविलय होता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो जल में नहीं घुलता है, कार्बनिक विलायकों में घुल जाएगा। दूसरा नंबर ये रहेगा इसका गुण कि आयोडोफॉर्म का उपयोग बेटा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक, यानी एक पूतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। इसका यह गुण आयोडीन के कारण होता है बेटा, जो आयोडोफॉर्म के अपघटन पर मुक्त होती है। ठीक, और तीसरे यदि इसके उपयोग की बात करें तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है, यह एक अस्थिर पदार्थ है बेटा, पीले रंग का क्रिस्टलीय, ठीक है, और इसकी गंध कभी कभी क्लोरोफॉर्म जैसी भी होती है। और आयोडोफॉर्म बेटा एक अच्छा रोगाणुनाशी है। ठीक, मतलब एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है। ठीक, और इसके यदि अपन आयुपेशी नाम की बात करें तो इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, ट्राई आयोडोमेथेन। ये आपको याद रखना, एक बार एग्जाम में आया था, ट्राई आयोडो मैथेन, एक कार्बन है, ठीक, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई आयोडो मैथेन। ठीक है बेटा, तो ये रही बेटा अपनी आयोडोफॉर्म या एलोफॉर्म अभिक्रिया, या कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म का निर्माण। तो ये क्वेश्चन अपना बेटा कंप्लीट हुआ, आशा है यह क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।